मैं साथ प्रदीप कुमार चपराना और आज आपके सामने एक राजस्थान की न्यूज निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री जिन्होंने जनसंपर्क प्रकोष्ठ किया है, जो अभी जो नीट की परीक्षा हुई थी ना लेवल फर्स्ट और सेकंड की, तो उसमें 62,000 पदों पर होगी। अब जो टोटल परीक्षा होगी 62,000 पे, जो फर्स्ट लेवल तो वो तो चलता रहेगा 15,500 पे, और सेकंड वाली जो है वो निरस्त कर दी है। ये अभी की न्यूज है 7 फरवरी की, आज की। और नीट परीक्षा के लिए आयोजन होने वाले लाखों युवाओं को निःशुल्क आगमन की व्यवस्था की गई थी बसों में आने जाने के लिए, और इसके देखते हुए उन्होंने इंटरनेट भी बंद कर दिया था वहां पे। अब जो है इसको ध्यान में रखते हुए 26 सितंबर 2021 को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी, और इसमें जो लिप्त पाए गए थे 42 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, और इसमें जो पेपर कहां से लीक हुआ इसको ध्यान में रखते हुए 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 14 जो अभ्यर्थी हैं, और 1,16,00,000 जो कि ये जो रिकवरी हो चुकी है। ये ऑफिशियल न्यूज है भाई, अगर समझ में आ रहा हो और आपको, तो फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, कि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो के विद प्रूफ विद नोटिफिकेशन आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, सारी जितनी भी मिलेगी। तो अब देखते हैं क्या आगे क्या है। ये डीपी जोली जो है, इन्होंने बर्खास्त करते हुए बोर्ड के सभी जो 42 अधिकारियों कर्मी को जो निलंबित कर दिया है। अभी जो 15,500 पदों पर जो नियुक्ति दी जानी थी वो तो चलती रहेगी फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की जो निरस्त कर दी है, इनको सीधे भरा जाएगा, वो ये मेरिट के आधार पे होगी, इनके इन पे जो कोई भी अब न्यू परीक्षा नहीं होगी फर्स्ट लेवल पे, तो सेकंड की जो है वो कर दी गई है निरस्त। अब देखते हैं कैबिनेट की जो ये मीटिंग हुई थी। अच्छा, अब इस पे जो रिपोर्ट आनी है, जस्टिस वी के व्यास जो अध्यक्षता में गठित जो हुई थी उसमें 15 मार्च को रिपोर्ट जो आते ही भर्ती को आगामी परीक्षा के लिए यथावित जो शीघ्र किया जाएगा, और इन्हें देखते हैं फिर क्या 2022 में जो भर्ती को पदों को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। अब 16,000 वो 16,500 वो 38,000 ये, तो कितने हो गए टोटल, हो गए हमारे 46,500 हो गए नीट में इस वर्ष के जो ये भरी जाएंगी। तो वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप ही का चैनल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।